बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइस व्यू। ये कहानी है 20 साल के जिंकी, जो अपने जज्बे से, मेहनत से और आत्मविश्वास से रोडपति से करोड़पति बन गया। कहानी की शुरुआत में जिंक को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होता है। जिंक की एक छोटी बहन भी है जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसे बताता है कि जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दरअसल जिंक की मॉम को भी यही बीमारी थी, जिस वजह से जिंक की मॉम की मृत्यु हो गई। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और अब वही अपनी छोटी बहन का गार्डियन है। जिंक की एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की शॉप है और यहीं से उसकी गुजर बसर होती है। एक दिन जिंक का दोस्त, जो कि वेयरहाउस में काम करता है, जिंक को अपने वेयरहाउस में बुलाता है, जहां वो एक कपड़े को हटाकर उसे बॉक्सेस का एक पहाड़ दिखाता है। वो बताता है कि इनके अंदर सेकेंड हैंड मोबाइल्स हैं। जो इस कंपनी का इस वेयरहाउस का ओनर था, उसे जेल हो गई है, इसीलिए अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारे के सारे मोबाइल्स दे दूं, तो इसके बदले तुम्हें मुझे 1,00,000 रुपए देने होंगे। जिंक के पास 1,00,000 रुपए नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो इन सभी मोबाइल्स को खरीद ले जिनमें माइनर सी प्रॉब्लम है, ताकि इन सभी को रिपेयर करके वो अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सके। अब वो सारे मोबाइल्स तो नहीं, लेकिन 1-2 मोबाइल लेकर घर वापस आ जाता है। वो एक मोबाइल को रात भर ठीक करता और फाइनली उसे ठीक करने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वो बैंक जाता और लोन के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद वो एक मॉल में जाता है जहां पर एक शॉप है जो सेकंड हैंड मोबाइल्स को सेल करते हैं। यहां पर जिंग उस शॉप ओनर को अपना मोबाइल दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिंग शॉप ओनर को बताता है कि मेरे पास वेयरहाउस में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल्स हैं, जिन सबको मैं रिपेयर करके तुम्हें दूंगा। हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है। जिंग अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने सभी मोबाइल्स को सेल आउट कर दिया तो उसे बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे न सिर्फ वो अपनी छोटी बहन के ऑपरेशन को करवा सकता है, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरह से सुधर जाएगी। जिनको बैंक से भी लोन मिल जाता है, जो उसकी शॉप के अगेंस्ट उसे मिला होता है। अब उसने सभी मोबाइल्स खरीद लिए हैं। 2 हफ्ते बाद, जबकि वो कुछ मोबाइल्स बेच चुका है, एक दिन से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अब नया रूल निकाला है कि कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल को नहीं बेचेगा। वो मॉल में शॉप ओनर के पास जाता है। शॉप ओनर उसके मोबाइल्स लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। और अब जिंग पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उसके पास जितने भी फोन्स हैं, ना वो उन्हें किसी को बेच सकता है, ना ही कोई खरीदेगा, क्योंकि ये सब अब इलीगल हो चुका है। अब जिंग उसी कंपनी में जाता है जिस कंपनी की फोन्स उसके पास हैं। वो कंपनी के मैनेजर से मिलता और कहता है कि मुझे पता है कि सेकेंड हैंड फोन्स बेचना खरीदना इलीगल हो चुका है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हजारों फोन्स हैं, जिनके पार्ट्स हम निकाल कर दूसरी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम पार्ट्स को लेकर आओगे तो QC में, यानी कि क्वालिटी चेक में, फेल हो जाएंगे। जिंग कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं जानता हूं कि मैं पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से निकाल सकता हूं और क्वालिटी चेक में वो पास हो जाएंगे। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में पास हो गए तो हम देखेंगे। अब जिंग अपनी शॉप में आता है और वहां पर बहुत ही सावधानी से वो मोबाइल के एक एक पार्ट को निकालता है, जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स को ले जाता है। और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिंग अब बहुत खुश हो चुका है, इसीलिए मैनेजर के पास एक बार फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में पास हो गए। लेकिन अब मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें क्वालिटी चेक करवाने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे पार्ट्स को बेचेंगे। ये सुनने के बाद जिंग हाओ का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उसे बैंक का लोन चुकाना है, जो कि उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लिया है। अब जिंग इसी कंपनी के ओनर के पास जाता है। वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है, इसीलिए उन्हें लेट हो रहा होता है। वो जिंग से बात किए बिना वहां से चले जाते हैं। जिंग हाओ भी उनका पीछा करता और स्टेशन तक पहुंच जाता है, और इससे पहले कि ट्रेन निकल जाती, जिंग हाओ भी उस ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। मैं आपकी कंपनी की मोबाइल, जो मेरे पास हजारों की मात्रा में है, उनके पार्ट्स निकालूंगा, जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। मैं पहले ही आपकी कंपनी की मोबाइल के पार्ट्स निकाल कर उनका क्वालिटी चेक करवा चुका हूँ। ओनर कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, वैसे भी इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें फाइनेंशियली और ना ही वर्कर के थ्रू मदद करूंगा। जो तुम्हें करना होगा खुद करना होगा। जब भी
तुम्हारा काम पूरा हो जाए मेरे मैनेजर को कॉल करना। वो उसे कार्ड देता और वहां से चला जाता है। और अब जिंग किसी भी कीमत पर उन सभी मोबाइल्स के पार्ट्स को निकाल कर कंपनी को दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए। उसे एक जगह चाहिए जहां पर वो सभी मोबाइल्स को रख सके, जहां पर उसके लिए लोग काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। साथ ही अब जो उसकी दुकान थी जिसके अगेंस्ट उसने बैंक से लोन लिया था, वो भी उससे छिन जाती है क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाया। जिंग के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए उसे अपने स्कूटर को भी बेचना पड़ता है। उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। जिंग उसके पैर पकड़ लेता और कहता है कि मुझे काम की जरूरत है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि उसे हवा में लटक कर विंडोज को साफ करना होगा। और अब जिंग के पास जितने भी मोबाइल है वो एक जगह रेंट पर लेकर उसकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक करके उन सभी मोबाइल्स को वहां पर ले आता है ताकि उन्हें रिपेयर किया जा सके, उनके पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसे हेल्पर्स की, वर्कर्स की जरूरत है क्योंकि अकेले वो इतने सारे काम नहीं कर सकता। सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो तय करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जो इसी इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। इसीलिए एक लेडी से मिलता है जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उसके सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया और अब वो छोटे मोटे काम करती है। जिंग पूरी सच्चाई से उसे अपना पूरा प्लान बताता और कहता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो लेडी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो पहले कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन वो एक अच्छा फाइटर था और एक दिन फाइटिंग के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिस वजह से उसे जेल हो गई, उसकी नौकरी छूट गई। अब वो जेल से तो बाहर आ चुका है लेकिन उसके पास काम नहीं है। जिंग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जिंग कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। जिंग इसी तरह से बहुत सारे और भी लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो कि कभी अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से जिंग अपनी पूरी टीम बना लेता है और अब सब मिलकर दिन रात मेहनत करके काम करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू। लेकिन जिंग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स है। इसलिए दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता और रात को मोबाइल्स के पार्ट्स निकालता है। अब एक दिन उस गेमर की जो शादी करना चाहता था उसे एक लड़की मिल जाती है। जिंग अपनी बहन के साथ उसकी शादी में जाता है और जब वो शादी से अपने घर वापस आता है तो उसके ओनर ने लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, जब तक तुम किराया नहीं दोगे तुम्हें घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। रात को जिंग हाओ को कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर वो बॉक्सेस से उसके लिए बेड बनाता है। जिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे इन हालातों में रख रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने काम को पूरा करके पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो जगह जहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री कंपनी बनाई होती है, उस जगह का ओनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया है, एक हफ्ते में अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस फैक्ट्री को, इस जगह को खाली करना होगा। जिंग हाओ के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो उसी कंपनी के मैनेजर के पास जाता है जिस कंपनी के लिए पार्ट्स को निकाल रहे हैं और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, हमारे बॉस ने तुमसे यही डील की थी। जिंग हाओ एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास आ जाता है जो उसकी कंपनी में उसके साथ काम करते हैं। वो कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा भी या नहीं क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, बस एक सपना है, आगे बढ़ने की चाह है, जज्बा है और अब हमें इस फैक्ट्री को, अपनी कंपनी की जगह को भी खाली करना होगा। उसके साथ ही उसका साथ देते हैं और यहाँ से सारा सामान अपने अपने घर ले जाते हैं और अब सब अपने घर से ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंग के पास कोई भी घर नहीं है, वो तो अपनी बहन के साथ अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री में सोया करता था जो जगह अब इनसे छिन चुकी है, इसीलिए वो एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है जहाँ दिन में तो विंडो यानी कि ग्लासेस को क्लीन करने का काम करता है और रात में मोबाइल पर काम करता है। उसे नहीं पता कि
अच्छे से सोना क्या होता है। दो हफ्ते और बीत जाते हैं और इनके पास लगभग जितने भी मोबाइल थे उन सभी के अच्छे अच्छे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं और अब उन सभी पार्ट्स को SNE कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इन सबको बुलाया जाता है। ये सब कंपनी के ओनर के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर कंपनी का ओनर इन सबको बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया और वो सब के सब पास हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जिंग के पास एक यही रास्ता था कि वो पैसे कमा सके, अपनी बहन के ऑपरेशन को करवा सके। जल्दी जिंग के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है जिससे उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 सालों के बाद दिखाया जाता है कि वो कंपनी जिसका नाम इन्होंने नाइस व्यू रखा था अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और जिंग उसका CEO है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट CEO बना है। जिंग अपनी जिंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखों में सपने थे, उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी और जिस भी इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नाइस व्यू की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।